घरेलू विवाद में 29 वर्षीय सुप्रिया राय की गई जान, आत्महत्या या फिर हत्या, सिलवासा पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, मैं आशीष झा और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस एंड डेयर टू शेयर। आपको बता दूं, दादरा नगर हवेली के मसाट विस्तार में स्थित साई नगर सोसाइटी से बड़ी खबर सामने आई है। सोसाइटी के जे टावर के 808 फ्लैट में 29 वर्षीय विवाहित महिला मृतक हालत में पाई गई। मृतक महिला के पति रितेश सिंह ने दी जानकारी के मुताबिक उसकी पत्नी अक्सर घर में झगड़ा करती थी और बच्चों को पीटती थी। रितेश सिंह ने बताया कि घटना के दिन सुप्रिया राय घर में अकेली थी। मैं, मेरे बच्चे और मेरी मम्मी घर पर नहीं था। जब रात 10 बजे हम घर पहुंचे तो दरवाज़ा लॉक था। कई बार आवाज़ देने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तब मैंने दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला। अंदर जाकर देखा तो वह पंखे से लटकी हुई थी। मैंने तुरंत उसे नीचे उतारा और पड़ोसियों को बुलाया। इस आदमी ने पुलिस को जानकारी देने से पहले ही उसे नीचे उतार दिया और 108 को कॉल कर उसे अस्पताल ले गया। अब इसे आत्महत्या कहे या हत्या, जाँच का विषय है। सिलवासा पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की जाँच में जुटी है। मारी पीटी थी, मेरी मम्मी आई थी अभी 4-5 दिन हुआ घर से, भैया रूम पे भी रहती थी, मेरे रूम पे रहती थी, तो लड़ाई झगड़ा हुआ, मतलब बच्चे लोग को मारी, मम्मी डांटी कि क्या बच्चे लोग को मार रही हो, अच्छा लगता है इतना डंडा डंडा मार रही हो तुम, अभी 12 बजे तो लेके चला जाऊँगा। फिर उसके बाद दूसरी बड़ी वाली दूध पी रही थी, उसको सो रही थी, उसको उठा के खड़ा कर दी, बोल रही थी उसको, मतलब डंडा से वापस मारी, डंडा से उसको भी मारी। फिर मम्मी बोल रही है तुम नहीं सुधरोगी, मैं लेके जा रही हूँ भैया के रूम, मतलब कमलेश के रूम पे, मेरे भैया हैं तो उनके रूम पे लेके चले गए। शाम को ड्यूटी से आया 5:30 बजे, तो देख रहा हूँ मम्मी नहीं है। उसके बाद थोड़ा आराम किया, लोग उठा, फिर बड़ी वाली लड़की को पूछा अम्मा किधर है, तो बोल रही है कि बड़े पापा के घर पे अच्छुपुरम रूम पे। तो वहाँ पे मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी क्या हुआ, तो बोले कि ऐसा ऐसा मैटर है, बच्चे लोग को मार रही है, तो कौन वहाँ पे रहे, जब मन कर रहा है मार रही है, ऐसे मारा जाता है बच्चे लोग, ठीक है आ जाओ खाना है आ जाओ। फिर मम्मी आ ही रही थी, उसके बाद फिर मैं बोला ये सब क्या मैटर है तुम्हारा, बच्चे लोग को मार रही हो, अच्छा है मम्मी जब मना कर रही है तो मत मारो ना, वो भी डंडा से मार रही हो, दूध पीते हुए बच्चे को मारा जाता है। उसके बाद ड्यूटी से आया ही था, थका हुआ था, उसके बाद सो के उठा, फिर गया मैं पानी पीने के लिए गया, देख रहा हूँ किचन में, मतलब शाम रात को बात है, फिर मतलब रात को 8:30 बजे ऐसा 9 बजे के आसपास होगा, मतलब रात को ही मम्मी को खाने के लिए बुलाया था, जाहिर सी बात है खाने में टाइम था, तो देख रहा हूँ किचन में दूध गिरा हुआ है। फिर मैं डांटा, मैं बोला बताओ तुम बच्चे लोग को मार रही हो, दूध गिरा रही हो, ये सब अच्छी बात है, यही सब मैटर हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग, मम्मी आई, हम लोग खाना खाए पिए सो गए, खाना खाने पीने के बाद सो गए, सो के उठाना मतलब वो बात कर रही थी हमसे ना, मैं उससे बात कर रहा था, अपना ड्यूटी चला गया, ड्यूटी मतलब अपना पार्ट टाइम एक जगह जा रहा था एक हफ्ते से, वहाँ पे गया 3-4 घंटा ड्यूटी किया, उसके बाद आ गया, आया अपना दोपहर में सोया, मतलब बातचीत नहीं कर रही थी। उसके बाद शाम को खाना खाई थी या ऐसा कुछ हमको मतलब मालूम नहीं चला। उसके बाद भैया के रूम पे गया, मैं खाना वाना खाया और चला गया, नहीं वापस मतलब घर पे ही आया, मम्मी बार बार फ़ोन कर रही थी दोपहर में खा लो, खाना वाना खाया अपना, आया रूम पे तो सोया वोया। उसके बाद फिर देख रहा हूँ शाम को ये आराम से झाड़ू पोछा बर्तन खाना वाना खा रही थी, मेरा लगता है दिमाग फ्रेश हो गया है, कोई टेंशन नहीं है। फिर अपना चला गया बिरसा में, अपना एक दोस्त है उनका लड़की एडमिट है, तो बोले कि आके थोड़ा दुकान देख लो आधा एक घंटा, मैं आता हूँ उसको खाना वाना पहुँचा के देखता हूँ क्या हाल है उसका। तो वो कॉटेज आए, मैं दुकान चला गया देखने के लिए, और छोटा वाला लड़का मेरे साथ में जीत करके चला गया दुकान पर, और लड़की बोली मतलब भैया बड़े पापा के घर पर जाऊँगी, वो भी उधर चली गई, बोला चलो अभी टेंशन नहीं, वो खा रही है बना रही है क्या टेंशन। फिर 10 बज गया हमको वहाँ से जाने में, बिरसा से दुकान से जाने हो गया, तो वहाँ भी जाके देख रहा हूँ दरवाज़ा चौक चाबी मेरे पास था, लॉक खोल रहा हूँ, बेडरूम में पड़ी थी, मतलब किस हालत में पड़ी थी, पंखे पलट के लड़की गया तुरंत, दुपट्टा उसका खींचा। ये कितने बजे बेडरूम में लटकी थी आप देखे? 10 बजे रात में कि दिन में? रात को कल रात को। अच्छा, तो फिर पुलिस को कितने बजे सूचना दिया? सर पुलिस को नहीं, फिर वापस मतलब दोनों बच्चे मेरे देख के रोने लगे, मम्मी मतलब ऐसा कैसा कर रहे हैं, मतलब जोर खींचा गिर गई, तो ये दोनों बच्चे रोने लगे जोर जोर से, मैं भी चिल्लाया वहाँ पे चिल्लाया, उसके बाद ये लोग हमारा आवाज़ सुन के चाहे मम्मी को देख के चिल्लाने लगे जोर जोर से, तो वापस गया बाजू में मेरे पड़ोसी हैं उनको मैं बेल बजाया, वो लोग आए, बोला ऐसा ऐसा बात है भाभी क्या करें, भैया भाभी दोनों लोग आए। उसके बाद फिर
जोर से सीने दबाया, हमको ऐसा लगा कि मतलब उसका सांस मतलब फुट फट आवाज़ आ रहा था, तुरंत एम्बुलेंस के फ़ोन लगाया, मतलब हम लोग नहीं समझ में आ रहा है, एम्बुलेंस को फ़ोन लगाता हूँ, एम्बुलेंस का फ़ोन लगाया, फिर बाद में भैया भाभी को फ़ोन मतलब भाभी को फ़ोन लगाया। आपका क्या नाम है और लड़के का क्या नाम था? लड़की आपका क्या नाम है और आपकी वाइफ की क्या नाम था? मेरा नाम रितेश सिंह और सुप्रिया रानी। सुप्रिया रानी, कितनी उम्र है उसके? 29-30 साल। कितने साल हो गए शादी के आपके? 2018 मार्च महीना। 2018 में। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? बनारस। बनारस के। यहाँ कहाँ काम करते थे? सनातन कंपनी में। यहाँ कई साल से रह रहे थे, किसकी चाली में रह रहे थे? पहले तो सर अपना रमेश भाई की चाल थी, उधर मतलब थे। नहीं, अभी अभी हाल का इसकी चाल अपना खुद का रूम है। क्या नाम है? साईनगर। साईनगर में।